बीजेपी में शामिल हो गए सांसद रितेश पांडे। अंबेडकर नगर से सांसद हैं ये रितेश पांडे। बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार वो खबर हम बता रहे थे। सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज ने बताया कि रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस्तीफा भेज दिया है। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए, वहां पर आपको तरुण चुग दिख रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच में रितेश पांडे ने बीजेपी की सदस्यता अब ग्रहण कर ली है। अंबेडकर नगर से आते हैं, वहां के उम्मीदवार थे, सांसद थे, और अब इन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं, बड़ी बारीक जानकारियां इनके बारे में दे रहे हैं। संजय, ये यूपी में बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाएंगे रितेश पांडे, इसको बताइए जरा। देखिए, ब्राह्मण बहुल सीट पर इनको उतारा जा सकता है अंबेडकर नगर की, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के अगर चुनाव की बात करें तो रितेश पांडे एक बड़ा चेहरा होंगे, तो उन पर दांव लगाने में भारतीय जनता पार्टी का मुनाफा ज़्यादा है। तो ऐसे में जब ये बसपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं तो ये भाजपा की एक बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों पर ऐसे ही मजबूत प्रत्याशी जो उतारने हैं उसके क्रम में रितेश पांडे एक बड़ा नाम है। उनके पिता राकेश पांडे भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, तो एक उनके प्लस पॉइंट ये भी है कि उनके साथ में उनके जो पिता हैं उनका भी समर्थन है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसे में एक मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा रितेश पांडे को, और बहुजन समाज पार्टी में जब आप याद होगा 2019 का चुनाव था तो उस वक्त चुनाव वो जीते थे, और अंबेडकर नगर की महत्वपूर्ण सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है जो उस सीट को जिताने का बूता रखता है। तो ये जो रितेश पांडे को लाने का कार्यक्रम है ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और अभी ये एक ही सांसद है, अभी कई नाम और चल रहे हैं दूसरे दलों के जो भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।